फिल्म की शुरुआत में हम इंडियन ओशन देखते हैं, जहां जमीन के 16,000 फीट नीचे कुछ लोगों को 90 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा जाता है, जहां वो समुद्र की सतह के सैंपल लेके उस पे शोध करेंगे ताकि हमें समुद्र के बारे में और जानकारी पता चल सके। अब हम समुद्र के नीचे तीन लोगों को देखते हैं जिनके नाम विली, सिक्स पैक और डेजूस होते हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाले पत्थरों का सैंपल ले रहे होते हैं, जिसके बाद उनके बेस पे वापस जाने का समय हो जाता है, इसलिए तीनों बेस की तरफ वापस जाने लगते हैं, जहां पर रास्ते में सिक्स पैक पानी के एक कीड़े को पकड़ लेता है और अपने साथ बेस लेके जाने लगता है। पर तभी डेजूस के सूट में ऑक्सीजन लेवल की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने की दिक्कत होने लगती है। अब ये बात बेस पे बैठे कैप्टन को पता चल जाती है, जिसका नाम बैक होता है, इसलिए वो बेस में मौजूद डॉक्टर को ढूंढने लगता है, लेकिन पूरे बेस में डॉक्टर कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो किसी तरह डेजूस के ऑक्सीजन को संभालने की कोशिश करता है। पर इस काम में माहिर ना होने के कारण बैक को काफी दिक्कत होती है, पर किसी तरह वो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने में कामयाब होता है। इधर पानी के अंदर विली और सिक्स पैक भी डेजूस की मदद करते हैं और उसे किसी तरह बेस पर ले आते हैं, जहां पता चलता है कि डेजूस की सांसें अब भी चल रही है लेकिन वो बेहोश हो गया है। फिर कुछ समय बाद डेजूस को होश आ जाता है और वो पूरी तरह से ठीक भी होता है और उसके साथ बाकी क्रू मेंबर्स भी होते हैं। अब बैक सबको बताता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में केवल 3 दिन बचे हैं, जिसके बाद हम सब जमीन पे होंगे, जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है, जिसे देख बैक काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसकी शिकायत सीनियर से करने के लिए कहता है, जिस पर डॉक्टर उससे इन सब का कारण पूछता है। तब विली डॉक्टर को बताती है कि डेजूस के सूट में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जिसमें इसकी जान भी जा सकती थी, जिस पर डॉक्टर सबसे माफी मांगता है। फिर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, जबकि विली सबके सूट्स को चेक कर रही होती है, जहां पर उसे अपने सूट में किसी चीज के होने का पता चलता है और जैसे ही वो उसे निकालने की कोशिश करती है, वो चीज उसके ऊपर कूद जाती है, जिससे वो डर जाती है। दरअसल ये वही समुद्री कीड़ा होता है जिसे सिक्स पैक ने बेस में आते वक्त पकड़ा था। अब इस बात से विली सिक्स पैक से काफी गुस्सा हो जाती है। वहीं इधर हम देखते हैं कि बैक और डॉक्टर अपने सीनियर से बातें कर रहे होते हैं, जहां पर उनके सीनियर की रोबोटिक आवाज आती है, जो आवाज किसी कीमती चीज के बारे में पूछती है जो उनके इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें मिली हो। लेकिन बैक बताता है कि हमें चांदी के अलावा ऐसी कोई भी कीमती चीज नहीं मिली, जिस बात से वो रोबोटिक आवाज गुस्से में बैक से किसी कीमती चीज को खोजने के लिए कहती है। अब अगले सीन में वो सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त समुद्र में काफी तेज लहर उठती है, जिसकी वजह से उनका बेस कांप जाता है, यानी कि उसमें काफी तेज वाइब्रेशन होने लगी है। अब इस बात से घबरा के एक लड़की ने ब्रिगेड कहती है कि बस 2 दिन और फिर हम इस नर्क से हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे, जिस पर वह कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन वो खुद को किसी तरह रोक लेता है। दरअसल वो समझ चुका था कि ये कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि उन्हें समुद्र के अंदर दबे खजाने को ढूंढने के लिए यहाँ भेजा गया है। और अब सीनियर की बात सुनने के बाद बैक को नहीं लगता कि वो सब इतनी जल्दी इस बेस से वापस लौट पाएंगे। अब खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। इधर दूसरे दिन हम देखते हैं कि सिक्स पैक और विली समुद्र की सतह पर खुदाई के लिए गए होते हैं और वापस आते समय समुद्र में फिर एक बार लहर आती है, जिसकी वजह से सिक्स पैक लहर के साथ अपने बेस से दूर हो जाता है। वहीं ये देखकर विली तुरंत बेस पर सबको इस बारे में बताती है, जिसके बाद विली खुद सिक्स पैक को ढूंढने के लिए उसी तरफ जाने लगती है, जहां कुछ देर चलने के बाद उसे समुद्र में डूबा हुआ एक जहाज दिखाई देता है, जिसके पास विली जाती है और उसके सूट में लगे कैमरा की मदद से बेस में बैठे लोग भी उस जहाज को देख पा रहे थे। तभी डॉक्टर सबको बताता है कि ये एक रशियन शिप है जिसका नाम लिवायथन है। तब ब्रिगेड इस जहाज के बारे में सर्च करती है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि ये जहाज अब भी रशियन नेवी में है, जिस पर फिर डॉक्टर बताता है कि ये सब रशियंस की चाल भी हो सकती है। वहीं इधर उस शिप के अंदर विली को बहुत से लोगों के कंकाल मिलते हैं और कुछ दूर पर सिक्स बैग भी दिख जाता है, जो किसी बक्से को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद वो दोनों उस बक्से को उठा के वापस बेस में आ जाते हैं, जहां बैग उस बक्से को खोलता है, जिसमें उसे बहुत सी किताबें और शराब की बोतलें मिलती हैं, जिनमें से एक बोतल को सिक्स पैक पहले ही छुपा चुका था। फिर बैक अपने सीनियर को इस रशियन जहाज के बारे में बताता है, जिस पर फिर सीनियर बैक से उस जहाज से और भी कीमती चीजें ढूंढने को लाने के लिए कहता है, पर बैक जवाब में वापस जमीन पर आने की बात करता है।
करता है। पर सीनियर उसकी गुजारिश को काट देता है। उस तरफ सिक्स पैक अपने कमरे में बैठ के चुपके से उस जहाज से मिली शराब को पी रहा होता है और तभी वहाँ पर ब्रिगेड आ जाती है और वो भी उस शराब को फिर पीने लगती है। पर अब अगले दिन सिक्स पैक को काफी देर बुखार आ जाता है जिस वजह से वो समुद्र में छानबीन के लिए नहीं जा सकता था। इस पर डॉक्टर उसे कुछ दवा देते हैं और उसके गले के पास की स्किन को काट के उसकी बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि इस बेस पर अब तक ऐसी किसी के साथ नहीं हुआ। आगे हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे सिक्स पैक की हालत खराब होती जा रही है और उसकी पूरे शरीर में खुजली भी होने लगती है। इधर डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सिक्स पैक को हुआ क्या है, इसलिए वो बैक को बुलाता है और उसे सारी बात बताता है। इस पर फिर बैक बेस में रहने वाले हर शख्स का टेस्ट करने को कहता है ताकि पता चल सके कि ये बीमारी किस किस को है। उधर ब्रिगेड की भी तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है जिसके बाद डॉक्टर सबका चेकअप करता है लेकिन सब ठीक निकलते हैं जिसके बाद अब ब्रिगेड की बारी आती है। पर तभी बैक डॉक्टर के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के कहता है जिस पर डॉक्टर ब्रिगेड को छोड़कर बैक के साथ चला जाता है जहां पर वो सीनियर को बताता है कि उसने ऐसी बीमारी इससे पहले कभी नहीं देखी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिगेड उल्टियां करने लगता है और फिर तभी उसके पास विली आती है और ब्रिगेड को बैठा के डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। पर रास्ते में सिक्स पैक को देखकर वो उसके पास जाती है लेकिन फिर वो देखती है कि सिक्स पैक का शरीर आधा गल चुका है जो देख के वो चिल्लाते हुए बाहर आती है। पर इससे पहले कि सब लोग वहां पहुंचे ब्रिगेड अब मर चुकी होती है जिसके बाद सिक्स पैक और ब्रिगेड दोनों को एक साथ रख दिया जाता है। और कुछ देर बाद जब डॉक्टर वहां पर आता है तो वो देखता है कि सिक्स पैक और ब्रिगेड एक साथ ही जुड़ चुके हैं और दोनों मिलके एक जानवर की तरह हो चुके हैं और ये सब उस बीमारी की वजह से हुआ है। अब वो फैसला करता है कि उन्हें बेस से बाहर फेंक दिया जाए पर तभी वो जानवर उन पर हमला कर देता है लेकिन किसी तरह सब उससे बचते हुए उसे बाहर फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। पर उस जानवर के शरीर का एक टुकड़ा अब भी बेस पर मौजूद होता है। वहीं इस तरफ डॉक्टर सबको बताता है कि शायद इसी जानवर की वजह से रशियंस का जहाज यहाँ पर डूबा होगा जिस पर फिर जस्टिन डेजूस और कॉब सिक्स पैक के सामान की तलाशी लेते हैं जहाँ पर उन्हें उस शराब की बोतल मिलती है जिसको लेके वो बैग के पास जाते हैं जहाँ बैग समझ जाता है कि वो बीमारी इसी के अंदर आई होगी। अगले सीन में हम डेजूस और जस्टिन को खाने के लिए किचन में जाते हुए देखते हैं पर कुछ देर बाद डेजूस को वही जानवर पकड़ लेता है जो अपने शरीर के बचे हुए टुकड़े से बना होता है। वो जानवर डेजूस को कच्चा ही निगल रहा था जिसे देखकर जस्टिन सबको बुलाने के लिए भागता है लेकिन जब तक सब लोग वहां पर आते वो जानवर डेजूस को पूरी तरह खा के वहां से चला भी जाता है। तब बैग फिर सबको हथियार देता है और उस जानवर को देखते ही मार देने का आदेश देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉब अपने कमरे की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वो जानवर उस पर पीछे की तरफ से हमला कर देता है और अंत में उसके पैर पर काट लेता है लेकिन उसी समय डॉक्टर भी वहां आ जाता है और वो उस जानवर को काट कर कॉब को बचा लेता है और सबको साथ में फिर रहने की सलाह देता है। उधर वो जानवर धीरे धीरे पूरे बेस को अंदर से तोड़ रहा होता है इसलिए अब बैक और जस्टिन एक प्लान बनाते हैं जिससे वो उस जानवर को पकड़ सके जिसके तहत वो अपने खून की बूंदे जमीन पर गिराते हुए एक कमरे तक जाते हैं और उनका प्लान ये होता है कि जैसे ही वो जानवर उस कमरे में जाएगा हम उसे अंदर कैद कर देंगे। पर वहीं इस तरफ कॉब भी धीरे धीरे उसी जानवर में बदलता जा रहा था जिसे देखते ही डॉक्टर उसे मारने आगे आता है लेकिन वो डॉक्टर को भी काट लेता है जिससे कि अब डॉक्टर भी उस जानवर में बदल जाता है और अब इधर वो जानवर भी उस कमरे तक आ गया होता है जहां बैक और जस्टिन ने खून की बूंदे गिराई थी लेकिन तभी वहां पर विली आ जाती है जिसकी वजह से वो जानवर उसके पीछे पड़ जाता है। पर किसी तरह जस्टिन और बैक विली को बचा लेते हैं जिसके बाद वो डॉक्टर के पास आते हैं जहां डॉक्टर भी उसी जानवर में बदल चुका होता है जिसके बाद सब भागते हुए बेस के मेन कंट्रोल में आते हैं और सीनियर से मदद के लिए विनती करते हैं लेकिन सीनियर उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। इस पर फिर बैक बेस का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को ऑन कर देता है क्योंकि
एक यही रास्ता होता है जिससे कि वो इस जानवर को मार सकेंगे। इसलिए अब सब अपने वाटर सूट की तरफ भागते हैं ताकि उसे पहन के यहाँ से भाग सके। पर फिर आगे रास्ते में उन्हें वो जानवर फिर से मिल जाता है जो अब तक काफी बड़ा हो चुका था और अब उसके अंदर डॉक्टर डेजूस और कॉप की शरीर दिखाई दे रही थी, जिसके बाद वो विली को भी पकड़ लेता है। लेकिन बैग किसी तरह विली को छुड़ा के दोनों वहां से भाग निकलते हैं। इधर जस्टिन सबके वाटर सूट्स को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए अब वो सब पानी में जाने के लिए तैयार होते हैं। पर तभी बैग विली को लेके वहां आ जाता है। फिर जस्टिन और विली सूट के अंदर चले जाते हैं और बेस से बाहर निकल भी जाते हैं, लेकिन अंत में बैग का पैर फंस जाता है और तभी वो क्रीचर भी वहां पहुंच जाता है, जिससे किसी तरह बैग लड़ता है और मौका पाते ही वो भी सूट पहनकर बेस से निकल जाता है। पर फिर तभी वो बेस पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और चारों तरफ उस जानवर का खून ही खून फैल जाता है। फिर कुछ देर बाद तीनों समुद्र की सतह पर आ जाते हैं, जहां उन्हें काफी दूर पर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और फिर वो उसको अपनी तरफ बुलाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी तरफ कुछ शार्क्स आ जाती है, पर भाग्य से तब तक उस हेलीकॉप्टर ने भी उन तीनों को देख लिया था और फिर वो भी उनकी तरफ आने लगता है और फिर हेलीकॉप्टर की शोर की वजह से शार्क्स वहां से भाग जाते हैं। पर वो जानवर तब तक उन तक पहुंच जाता है जो जस्टिन को पकड़ लेता है। इधर विली तो हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है, लेकिन बैग जस्टिन को बचाने के लिए उसके पास जाता है, पर वो जानवर जस्टिन को लेके पानी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद बैग भी हेलीकॉप्टर में आके बैठ जाता है और फिर वो दोनों उस जगह से सुरक्षित निकल जाते हैं। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।